इधर जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान के चलते श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के सभी पोलिंग स्टेशनों में भारी संख्या में मतदाता पहुंचकर अपने चहेते उम्मीदवारों को मतदान उन्होंने दिया। वहीं मतदान करने के बाद लोगों ने बताया कि हमने जनता के मसाइल हल करने वालों और पानी बिजली की समस्या को हल करने वाले उम्मीदवार को मतदान दिया है। नमस्कार जय माता दी। दर्शकों, आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में जो है मतदाता यहां पर पहुंच के मतदान कर रहे हैं। इस बीच हम रूरल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वीरेंद्र केसे जी से बात करते हैं। वीरेंद्र केसे जी, आपने कई मुद्दे उठाए थे कि कटरा के बहुत से मुद्दे हैं, चाहे वो पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो या रोपवे को लेकर हो, तो क्या देख रहे हैं आप इस वक्त जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है, क्या जनता की उम्मीदें हैं कि अपने उम्मीदवार से उसको क्या क्या उम्मीदें हैं जिसको लेकर वो वोट कास्ट कर रहा है? देखो, 10 साल के बाद जनता को अपनी उम्मीद आई जो किसी को ये अपना वोट डाले। अब ये वोट जो जा रहा है, ये बिजली पानी और डेवलपमेंट के लिए वोट जा रहा है, रोडें ठीक होगी, कटरा में पानी आएगा, बिजली ठीक चलेगी, स्कूल ठीक बनेंगे, डिग्री कॉलेज कटरा में आएगा, बाकी जो कटरा की डेवलपमेंट होगी उसके डेवलपमेंट के लिए ये वोट है, जो वोट सब डाल रहे हैं। और जी बल्ब वोट डाल रहे हैं, अभी तक 50% वोट हो गए हैं, शाम तक 85% ये वोट हो जाएंगे। अपने अपने उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कटरा के 2-3 मुद्दे जो है वो गरमाए हुए हैं। नमस्कार जय माता दी।